नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। रांची में पिछले 44 दिनों से चल रहे अनुबंध कर्मचारियों का धरना फिलहाल समाप्त हो गया है। एक महीने के अंदर सभी मांगों पर सरकार निर्णय लेगी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अनुबंध कर्मचारी महासंघ के बैनर तले चल रहा पिछले 44 दिनों से धरना प्रदर्शन बुधवार को समाप्त हो गया है। मांडर विधायक बंधु तिर्की धरना स्थल पर पहुंचे और उपस्थित कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार युवाओं के हित में कार्य करने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के साथ तमाम आला अधिकारियों के साथ वार्ता किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के कारण आप सभी कर्मियों की मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल संभव नहीं है। उन्होंने ठोस आश्वासन देते हुए धरना स्थल से ही पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मोबाइल से बात कराया। वार्ता के क्रम में ठाकुर ने सभी कर्मियों को आश्वस्त किया कि आप लोग धरना स्थल से धरना को समाप्त करें। कोई भी SBM कर्मी नौकरी से हटाए नहीं जाएंगे। सभी कर्मियों का समायोजन होगा। साथ ही साथ इनके साथ अन्य मांगों जैसे वेतन वृद्धि के विषय में भी सरकार विचार करेगी। बंधु तिर्की ने सभी कर्मियों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार आपके हित में निर्णय ले रही है तथा कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए आप लोग अपने घर जाइए तथा अपने काम में लग जाइए। एक महीने के अंदर आपके सभी मांगों पर सरकार निर्णय ले लेगी। SBM अनुबंध कर्मी महासंघ के महासचिव कौशर आजाद ने बुधवार को जानकारी दी है और बताया है कि विधायक और मंत्री से मिले आश्वासन के बाद हम सभी कर्मी अपने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को समाप्त किया है। उल्लेखनीय है, नियमितीकरण की मांग को लेकर SBM कर्मी पिछले 44 दिनों से राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं। GN भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।